पिछले कुछ हफ्तों से लद्दाख LAC के पास भारत और चाइना दोनों देशों ने अपनी मूवमेंट थोड़ी तेज कर दी है और दोनों देशों की सेनाएं एक बार फिर कुछ ही मीटर की दूरी पर अपने हथियार एक दूसरे की तरफ पॉइंट कर चुकी हैं। कभी भारतीय सेना के ट्रूप्स की डिप्लॉयमेंट तेज हो जाती है तो कभी चाइना लद्दाख LAC के पास सैन्य युद्धाभ्यास करता है। कभी भारत में कॉम्बैट रेडी स्टेट में संभावित अग्निफाइव मिसाइल की पिक सामने आती है तो कभी चाइना अपने H-20 बॉम्बर्स को लद्दाख LAC के पास तैनात करता है। दोनों देशों के बीच माहौल फिर से तनावपूर्वक बनते जा रहा है और रीजन के बाकी देशों के साथ साथ दुनिया के तमाम देश लद्दाख LAC पर नजरें गिराए बैठे हैं ताकि दो न्यूक्लियर हथियारों से लैस देश जो दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड होने के साथ साथ तेजी से ग्रो होती अर्थव्यवस्था भी है उनके बीच का ये विवाद किस दिशा में जाता है इस पर नजर बनाई जा सके। ऐसे में अगर भारत और चाइना के बीच जंग छिड़ती है तो उसका प्रभाव बियॉन्ड बॉर्डर्स दुनिया के कई देशों पर पड़ेगा। वहीं एक देश ऐसा है जो चाइना के खिलाफ भारत का भरपूर साथ देता है, वो है भारत का क्वाड एलाई जापान, क्योंकि जापान भी चाइना की इसी विस्तारवाद की नीति का काफी लंबे समय से शिकार है, इसलिए जापान भी भारत का दुख दर्द अच्छे से समझता है। जापान ने इस बार भी कुछ ऐसा ही कदम उठाया है, जहां चाइना समेत दुनिया के तमाम देश लद्दाख LAC पर नजरें गिराए बैठे थे वहीं जापान ने भारत के नॉर्थ ईस्ट में एंट्री कर दी है जो कि स्ट्रेटेजिक तौर पर भारत के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण इलाका है। जापान ने पिछले कुछ समय में भारत के नॉर्थ ईस्ट रीजन में अपनी प्रेजेंस बढ़ाने के लिए कई प्रोजेक्ट्स पर काम ऑलरेडी शुरू कर दिया है जिनमें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्ट से लेकर आसाम में ब्रह्मपुत्र नदी पर भारत का सबसे लंबा ब्रिज बनाने में भी जापान सपोर्ट कर रहा है जो कि चाइना के खिलाफ स्ट्रेटेजिक तौर पर बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इन सब के बाद जापान ने गुडविल जेस्चर के तौर पर भारत के नॉर्थ ईस्ट के लिए फिर एक बड़ा कदम उठाया है जो कि बेहद प्रशंसा योग्य है। दरअसल ANI न्यूज एजेंसी के वाले से मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि जापान ने भारत के 3 नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों में कुल 8 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स इंस्टॉल करवाए हैं। नॉर्थ ईस्ट के ये 3 राज्य हैं मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड। रिपोर्ट्स के मुताबिक जापान गवर्नमेंट ने यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की मदद से जो ये सभी ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स स्थापित किए हैं इनसे कुल 1300 बेड्स को लगातार ऑक्सीजन सप्लाई मिल सकती है। ये सबके सब प्लांट्स आगे आने वाले कम से कम 20 से 25 सालों तक ऑपरेशनल रहेंगे जिस दौरान भारत के हजारों लाखों लोगों की जान बचाई जा सकेगी। इन प्लांट्स की खास बात यह है कि हॉस्पिटल बेड्स को ऑक्सीजन सप्लाई करने के साथ साथ इन प्लांट्स की मदद से एक्सेस ऑक्सीजन यानी जो जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन होगी उसको ऑक्सीजन सिलेंडर्स में भी फिल किया जा सकता है जो फिर रीजन के बाकी हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम्स को भी सप्लाई की जा सकती है। इनकी इंस्टॉलेशन की जानकारी पिछले कल मंगलवार को दी जापान के भारत में एम्बेसडर सतोशी सुजुकी ने। उन्होंने ट्वीट करके लिखा, जापान ने जो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की मदद से ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स प्रोवाइड किए हैं मेघालय को सौंपते हुए देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये सभी प्लांट्स नॉर्थ ईस्ट के ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचा पाएंगे। वैसे इन सभी 8 के 8 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स के लिए भारत की तरफ से जापान को एक थैंक यू तो बनता ही है क्योंकि सेकंड वेव का प्रभाव तो भारत में अब धीरे धीरे खत्म हो गया है। पिछले 24 घंटों में पूरे भारत में कुल 40,000 के आसपास पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं लेकिन दूसरी तरफ जापान तब भी ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स मदद के तौर पर भारत को लगातार सप्लाई कर रहा है जो कि आगे अगर कोरोना वायरस की 3rd वेव आती है तो उसमें बहुत ही ज्यादा लाभकारी साबित होंगे। खैर, एक दोस्त के रूप में आपको कौन से देश पर ज्यादा भरोसा है, अमेरिका या फिर जापान? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।